अब हम बात करेंगे इसमें फॉल्ट क्या था। तो हमने इसके SMPS पावर सप्लाई को भी पूरी तरीके से ओपन किया था। आज हम बनाने जा रहे हैं हरमन गार्डन का एक 3-in-1 सिस्टम है, जिसमें CD प्लेयर है, FM रेडियो ऑक्स इनपुट और डॉक सिस्टम है। ये पीस जो है हैंग मोड में है, ऑन करने के बाद डिस्प्ले पर हरमन गार्डन MS-100 लिखकर आ रहा है। चलिए देखते हैं क्या दिक्कत है इसमें। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इसके मेन बोर्ड को निकाला है और इसकी जो कंडीशन है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जगह जगह पे वाइट धब्बे जैसे कुछ तो भी निशान है। इसको हम वॉश करेंगे पहले। वॉश करने के बाद फिर हम देखते हैं क्या दिक्कत है इसमें। जगह जगह इस तरफ वाइट वाइट धब्बे जैसे हैं। चलिए इसको हम पहले वॉश करेंगे, साथ ही साथ कुछ छोटे छोटे पार्ट्स सामान्य तौर पर जो ख़राब होते हैं उन्हें हम चेक करेंगे। क्लीन किया है मैंने इसको, जितना संभव हो सका उतना हमने क्लीन किया है। इसमें जो वाइट सफ़ेद धब्बे दिख रहे थे वो अभी पूरी तरीके से साफ़ हो चुके हैं। इसके कुछ पार्ट्स जो फ्यूजेबल रेजिस्टेंस है, कॉइल्स है, उसको हमने चेक किया है। ऐसा कुछ भी गड़बड़ मुझे दिखा नहीं है, कुछ भी ऐसा मिला नहीं है मुझे। अब जो है इसको हम फिट करेंगे। फिट करने के बाद फिर देखते हैं कि क्या दिक्कत है इसमें, क्यों पीस हैंग मोड में जाती है। इसमें दिक्कत ही यही है कि यह हैंग मोड में जाती है। चलिए देखते हैं। इस क्वाइल को हमने निकाला है कारण कि यहाँ पे जो गम लगे हुए हैं इसको, इस जगह पर थोड़ी जंग लगी हुई थी, तो हमने उसको साफ करने के लिए साफ करने का प्रयास किया। तो ये जो PF आप देख रहे हैं ये उखड़ गया है। इसको हम रीसोल्डर करेंगे और रीसोल्डर करने के लिए इस क्वाइल को निकालना ज़रूरी था, क्योंकि जगह बहुत कम है वहाँ पर। काफ़ी कुछ रिसर्च कर चुका हूँ मैं इसमें और ये पीस जो है अभी ऑन हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ, आप मिरर में देख सकते हैं। FM रेडियो दिख रहा है। पहले इसमें ऑन करने पे सिर्फ हरमन गार्डन MS-100 ही लिख कर आ रहा था। हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण सप्लाई की, जो कि अनिवार्य है, आना चाहिए। यहाँ पर ये जो कनेक्टर है और यहाँ से दो सप्लाई बनती है। सबसे पहले 5 वोल्ट, और दूसरी जो सप्लाई बनती है चौबीस वोल्ट, और तीसरी एक है जो कि यहाँ से जाती है
5.1 वोल्ट, ये जो सप्लाई है 5.1 वोल्ट की, ये स्टैंड बाई ऑन, मैं आपको ऑफ करके दिखाता हूँ। इसको हमने अभी ऑफ कर दिया है और यहाँ पर कोई भी सप्लाई नहीं है, और साथ ही साथ जो इसका ये 24 वोल्ट था, ये 24 वोल्ट भी बंद हो चुका है, सिर्फ 5 वोल्ट इसमें है, 5.1। आगे भी स्टैंड बाई ऑन करने के बाद कौन सी सप्लाई आनी चाहिए इसकी मैं चर्चा करूँगा। ये महत्वपूर्ण दो रेगुलेटर ऐसी लगी हुई है यहाँ पर, एक ये है 8 पिन की है, दूसरी ये है, और इसके जो पिन नंबर 2 है वो यहाँ पर है 23.9, और इसका जो पिन नंबर 3 है वो है आउट 12 वोल्ट, और दूसरी है ये है पिन नंबर 2 23.9, और पिन नंबर 3 है यहाँ पर 8 वोल्ट 7.8। ये रेगुलेटर, दो रेगुलेटर आईसी जो है, ये दोनों ही तभी काम करती है जब ये 24 वोल्ट ऑन हो। इसका नंबर भी आप देख पा रहे हैं, अब हम बात करेंगे ये छोटे छोटे जो रेगुलेटर्स लगे हुए हैं, थ्री पॉइंट थ्री वोल्ट है, वन पॉइंट एट वोल्ट है, ये 3.3 वोल्ट है, और अभी ये पीस चूंकि हमने ऑन किया है तो ये स्टैंड बाई ऑन है 5 वोल्ट। हमने इसके पीछे काफी समय व्यतीत किया है इसके ऊपर, इस पीस पे, और फॉल्ट जैसा कि मैंने सोचा था वैसा निकला नहीं है, फॉल्ट कुछ और ही था, इसकी चर्चा भी मैं करूँगा। फ़िलहाल मैं इसको फिट करूँगा, फिट करने के बाद बाकी भी हम चेक करेंगे आगे से। इसमें हमने साउंड आउटपुट सेक्शन को बाहर रखा हुआ है, फिट करने के बाद फिर हम आगे इसकी चर्चा करेंगे कि हमने क्या काम किया है, क्यों ऑन नहीं हो रहा था पीस। माफ़ी चाहता हूँ, पीस ऑन हो रहा था लेकिन हैंग मोड में था। इसको चिपकाने के लिए 2-way स्टिकर का इस्तेमाल किया है हमने जगह जगह पे, और इसका जो है ये किसी ने पहले से लगाया था, बहुत ही मोटा था, इतना मोटा लगाना नहीं चाहिए। अभी हम इसको फिट करेंगे।
इसको हमने जगह जगह टू वे स्टिकर मार दिया है और फाइनली हम इसके ऊपर के कांच को फिट कर रहे हैं। ये ऊपर का कांच लगाने के बाद पता ही नहीं चल रहा है कि पीस ऑन है कि ऑफ है। पूरी तरीके से फिट कर दिया है, रेडी फॉर डिलीवरी। इसमें सीडी नॉट वर्किंग है, एफएम ऑक्सिलरी वर्किंग गुड है। अब हम बात करेंगे कि इसमें हमने किया क्या है। फॉल्ट क्या था, तो हमने इसके एसएमपीएस पावर सप्लाई को भी पूरी तरीके से ओपन किया था हमें ये समझने के लिए कि इसमें 5 वोल्ट ऑन हो रहा था लेकिन 24 वोल्ट ऑन नहीं हो रहा था, और बीच में जो सेकंड नंबर पिन है स्टैंड बाई वो सप्लाई नहीं आ रही थी। तो हमने इसके लिए काफ़ी ट्रेस किए हैं और फाइनली हमें पता चला है कि ये जो पिन है, इस पिन में किसी ने जानबूझकर, मैं तो यही कहूँगा जानबूझकर, ये आप छोटा सा प्लास्टिक देख रहे हैं, इसमें ऑलरेडी होल बना हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये है वो प्लास्टिक और इसके बीच में होल है। किसी ने जानबूझकर इसके अंदर फिट कर दिया था स्टैंड बाई सेक्शन में, ताकि इसका 24 वोल्ट ऑन ना हो सके। तो कुल मिलाकर के मेरा जो 3-4 दिन बर्बाद हुआ है वो तो हुआ ही है, और फॉल्ट फाइनली यही मिला है कि इसके अंदर प्लास्टिक की पैकिंग लगाई गई थी।